अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है लाइब्रेरीज़। लफ्ज़ लाइब्रेरी लाइबर से निकला है, जिसका मतलब है किताबें। एक लाइब्रेरी एक महज़्ज़ब मुआशरे का लाजमी हिस्सा होती है। लाइब्रेरी किताब खाना है, किताबों का घर है। एक शख्स वहाँ जाकर हर किस्म की किताब पढ़ सकता है। हर किस्म की किताब लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होती है। अगर कोई शख्स वहाँ जाकर पढ़ता है तो उसके लिए कोई कार्ड की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप लोग घर ला के किताब पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कार्ड बनवाना होता है। एक हफ़्ते के लिए आपको वो 7 दिन के लिए किताब दे देते हैं। इसकी कोई फ़ीस नहीं होती, बस आपने जब कार्ड बनवाना है तो उसकी सिक्योरिटी जमा करवानी है। अगर आप लोग 2 साल, 3 साल, 10 साल जब तक भी पढ़ते हैं, वो कार्ड आपका मुफ्त में किताबें आपको फ्राहम करवाता रहता है। जब आप लोग लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप अपना कार्ड वापस कर दें और सिक्योरिटी वापस ले सकते हैं। यानी कि ये एक मुफ्त किताब हासिल करने के लिए किताब घर बनाया गया है। तो इसमें बहुत सी किताबें मौजूद होती हैं जो हम लोग हर किस्म की किताब वहाँ से पढ़ सकते हैं। आइए अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। अ लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस, एक जगह है। जस्ट लाइक अ गार्डन, एक बाग की तरह। एक लाइब्रेरी एक बाग की तरह जगह है। विद साथ डिफरेंट मुख्तलि फ्लावर्स, फूलों, फेवरी टाइप, हर किस्म के फूल, मुख्तलि फूलों के साथ एक बाग है। विद साथ स्प्रेड फैलने ऑफ लिटरेसी, ख्वांदगी। ख्वांदगी कहते हैं पढ़े लिखे लोगों की शरह को। ख्वानदगी की शरह फैलने के साथ लाइब्रेरियाँ है बिकम बन चुकी हैं असेंशियल, ज़रूरी टूल्स, आलात फॉर लर्निंग, इलम हासिल करने के लिए। लाइब्रेरियाँ इलम हासिल करने के लिए ज़रूरी आलात बन चुकी हैं। पब्लिक इंस्ट्रक्शन, अवामी हदायत, रफाए आमा। इज़ मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस, तेज़ी से तरक्की कर रही है। एवरीवेयर, हर जगह इन पाकिस्तान। रफायामा, पाकिस्तान में हर जगह तेज़ी से तरक्की कर रही है। इट इज़ नो मोर इन प्रिविलेज, ये कोई सहूलत नहीं है। वेल टू डू, अमीर लोगों की। ओनली, सिर्फ एक्वायर, हासिल करना। नॉलेज, इल्म हासिल करना सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही सहूलत नहीं है। एज़ जैसा कि इट, ये, वॉज, आर, नॉट, नहीं, वेरी लॉन्ग अगो, बहुत अरसा अगो, पहले, जैसा कि, ऐसा, बहुत अरसा पहले, नहीं था। देर आर स्कूल एंड कॉलेज, स्कूल और कॉलेज हैं। इन आलमोस्ट, तकरीबन, एवरी पार्ट, हर हिस्सा ऑफ द कंट्री, मुल्क, मुल्क के हर हिस्से में तकरीबन स्कूल और कॉलेज हैं। 21st, 21वीं सेंचुरी, सदी, डॉन, सूरज तलु होता है। 21वीं सदी का सूरज तलु होता है। वे साथ अश्योर, यकीनी, प्रोमिस, वादा, टू बी, होने का। अ सेंचुरी, सदी ऑफ पीस, अमन एंड एजुकेशनल, तालीमी, एक्सप्लोजन, इनकलाब। 21वीं सदी का सूरज अमन और तालीमी इनकलाब के यकीनी वादे के साथ तलु होता है। अ लाइब्रेरी इज़ है, नॉट, नहीं, आ लग्जरी, एक सहूलत, मरात। लाइब्रेरी सिर्फ एक मरात ही नहीं है, बट बल्कि वन ऑफ द नेसेसिटी, ज़रूरियात ऑफ लाइफ, ज़िंदगी। एक लाइब्रेरी एक सहूलत ही नहीं है, एक आसाइश ही नहीं है, बल्कि एक ज़िंदगी की ज़रूरियात में से है। नेचुरली, कुदरती तौर पर। वैन जैब देर इज थ्रेस्ट, प्यास फॉर नॉलेज, इल्म, कुदरती तौर पर जब इल्म की प्यास होती है। देर इज़ आल्सो एवर इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ता हुआ डिमांड, मुतालबा फॉर बुक्स, किताबों एंड मैगजीन्स, रसाइल, किताबों और रसाइल के लिए भी मुतालबा बढ़ता है। एवरी बॉडी, हर शख्स, डज नॉट, नहीं, हैव, रखता, द मीन्स, राइट टू बाय, खरीदने के, बुक्स, किताबें ऑफ ऑल सॉर्ट्स, तमाम अकसाम, हर शख्स तमाम अकसाम की किताबें खरीदने के ज़राए नहीं रखता है। मैस एजुकेशन, ज़्यादा तालीमी प्रोग्राम, इज़ बाउंड टू सफ़र, मुश्किलात में दो चार होता है। एडवर्सली, शदीद, ज़्यादा तालीमी प्रोग्राम शदीद मुश्किलात में दो चार होता है। इफ़ अगर, देर आर, हैं, नो, नहीं, फ्री आज लाइब्रेरीज, लाइब्रेरियाँ फॉर स्टूडेंट्स, तुलबा के लिए। ज़्यादा तालीमी प्रोग्राम शदीद मुश्किलात में दो चार होता है अगर तुलबा के लिए फ्री लाइब्रेरियाँ नहीं होती। अ लाइब्रेरी इज़ द हार्ट, दिल ऑफ एजुकेशनल, तालीमी इंस्टीट्यूट्स, अदारों।
एक लाइब्रेरी तालीमी इदारों का दिल होता है। आवर स्कूल लाइब्रेरीज, हमारे स्कूल की लाइब्रेरियाँ आर नॉट फंक्शनिंग, काम नहीं कर रही प्रॉपरली मुनासिब तरीके से। हमारी स्कूल की लाइब्रेरियाँ मुनासिब काम सर अंजाम नहीं दे रही। देर आर प्रैक्टिकली, अमली तौर पर नो नहीं, रीडिंग पढ़ने की आर या बोरिंग, उधार लेने की फैसिलिटीज़ सहूलियात, किताबें पढ़ने और घर ले जाकर किताबें पढ़ने की अमली सहूलियात नहीं है। देयर इज़ नो होल टाइम, मुकम्मल वक्त के लिए स्टाफ फॉर लाइब्रेरीज, लाइब्रेरियों के लिए मुकम्मल वक्त के लिए स्टाफ भी नहीं है। अबाव वाले इन सब के अलावा, देर इज़ नो इंसेंटिव, कोई इमरात नहीं, कोई हौसला अफजाई नहीं है। टू रीड, पढ़ने की, जनरल बुक्स आम किताबें, आर या फिक्शन किस्से कहानियाँ, आम किताबें या किस्से कहानियाँ पढ़ने के लिए भी हौसला अफजाई नहीं है। द फ्यू बुक्स, चंद किताबें, दैट जो मे भी शायद हों, देर वहाँ, चंद किताबें शायद वहाँ हों, इन दी डस्टी गर्दो गुबार वाली, लॉक्ड बंद, ओल्ड पुरानी अलमीराज अलमारियों में, स्टिंक ऑफ फुली, बहुत बदबूदार हैं। चंद किताबें शायद वहाँ मौजूद हों जो बंद गर्दो गुबार वाली पुरानी अलमारियों में बहुत बदबूदार हैं। दिस इज़ मेनली, बुनियादी तौर पर, सो फॉर वांट, ज़रूरत है, फ्रेश ताज़ा एयर हवा, इन दी स्टफी घुटन, लॉक्ड बंद कबर्ड्स अलमारियों, इन घुटन वाली बंद अलमारियों में अभी तक ताज़ा हवा की ज़रूरत है। मोर ऑफर अक्सर द बुक्स, किताबें यार है, जस्ट ओ टाइटल्स, पुराने नामों से माउथ इटन, कीड़ा लगा हुआ है, एंड वॉर्न आउट और फटी हुई हैं। अक्सर किताबें पुराने नामों से हैं, कीड़ा लगा हुआ है और फटी हुई हैं। पीपल, लोग क्लोज बंद करते हैं देयर माउथ, अपने मुंह, एंड ओपन देयर माइंड्स, अपने दिमाग को खोलते हैं, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरियों में, लोग लाइब्रेरियों में अपने मुंह बंद रखते हैं और दिमाग को खोलते हैं। लाइब्रेरियाँ, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी ऑब्वियसली यकीनन प्ले अदा करती हैं एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक अहम करदार इन क्रिएटिंग, पैदा करने में आ जेन्युइन लव, एक हकीकी मोहब्बत और बुक्स, किताबों, एन इंटरेस्ट, दिलचस्पी इन करंट अफेयर्स, हालात हाजरा। लाइब्रेरियाँ यकीनन किताबों के साथ हकीकी मोहब्बत और हालात हाजरा में दिलचस्पी पैदा करने में एक अहम करदार अदा करती हैं। देयर रीडिंग रूम्स, उनके पढ़ने के कमरे प्रमोट बढ़ाते हैं स्पिरिट, जज्बा ऑफ डिसिप्लिन, नज्म ज़ब्त, रिसर्च, तहकीक, इंक्वायरी, दरियाफ्त एंड फेलोशिप और दोस्ती। उनके पढ़ने के कमरे नज्म ज़ब्त, दरियाफ्त, तहकीक और दोस्ती के जज्बे को बढ़ाते हैं। लाइब्रेरीज, लाइब्रेरियाँ भी साथ अ वैरायटी ऑफ अट्रैक्टिव पुरकशिश टाइटल्स, नामों के साथ हैव अ हेल्दी, सेहतमंदाना, बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद इफेक्ट, असर ऑन द ईगर शौकीन माइंड, जहन, माइंड्स, जहनों ऑफ स्टूडेंट्स, तुलबा। लाइब्रेरियाँ पुरकशिश नामों के साथ शौकीन जहन तुलबा पर एक फ़ायदेमंदाना असर रखती हैं। द बेस्ट ऑफ माई एजुकेशन, मेरी बेहतरीन तालीम हैज़ कम फ्राम लाइब्रेरीज, लाइब्रेरियों से हासिल की गई है। डियर स्टूडेंट्स, इस ऐसे के अंदर हमने कोटेशन भी ऐड कर दी हैं और अच्छे अंदाज में आपको समझा दिया है, अच्छे तरीके से याद करना है, कोटेशन वाला हिस्सा छोड़ नहीं देना, बहुत से स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ये आपके ऐसे का लाजमी हिस्सा होता है।